नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के पठार से संबंधित चुनिंदा 8 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए आबू पठार, बी लासड़िया पठार, सी भोराट पठार, डी उड़िया पठार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आबू पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 1225 मीटर, बी 1360 मीटर, सी 1200 मीटर, सी 460 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1200 मीटर। आबू पठार जो है समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर राजस्थान का कौन सा पठार हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है? ए मेवाड़ का पठार, बी विंध्यन कागार भूमि, सी दक्कन लावा पठार, डी दक्षिणी पूर्वी पठार। हाड़ौती के पठार को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कौन सा पठार प्रसिद्ध है? इसमें ए लासड़िया पठार, बी भैंसरोडगढ़ पठार, सी मेसा पठार, डी गोगुंदा पठार। इसका सही जवाब होगा सी मेसा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाड़ौती पठार के अंतर्गत कौन सा पठार सम्मिलित है? ए भैंसरोडगढ़ पठार, बी ऊपरमाल पठार, सी लासड़िया पठार, डी मालवा पठार। हाड़ौती पठार के अंतर्गत कौन सा पठार सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊपरमाल पठार, जो है वो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत पठार कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व में आप देखिए कि ये हमारा जो है, ये हमारा दक्षिण दिशा और ये हमारी पूर्व दिशा। अब यहाँ इस दक्षिण पूर्व जो राजस्थान का हिस्सा है, इस दक्षिण पूर्व हिस्से में कौन सा हमारा जो है पठार स्थित है, हम इस नक्शे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ऑप्शन ए हाड़ौती पठार, बी आबू पठार, सी भोराट पठार और डी मालवा पठार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंबल और इसकी सहायक नदियों ने राजस्थान में किस क्षेत्र में एक त्रिकोणीय तापीय बेसिन का निर्माण किया गया? बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंबल और इसकी सहायक नदियों ने राजस्थान के किस क्षेत्र में एक त्रिकोणीय तापीय बेसिन का निर्माण किया है? ए कोटा, बी जयसमंद, सी बूंदी, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोटा। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और इस तरह के क्वेश्चन और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अगले क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न परीक्षा उपयोगी किस विषय पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।